जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग रूटीन है मेरा हो रहा है लंच रेडी। और आज मैं कुछ खास आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने अपनी वीडियो में शेयर नहीं किया है, तो जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ, क्योंकि देखो मैं मुझसे ना ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं होती। सच बताऊँ तो बहुत चीज़ें होती हैं जो घुमा फिरा के कहते रहते हैं कि, और नहीं होती, मेरे से नहीं होती, मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरी चल रही है आज शाही पनीर की रेसिपी, और बच्चों को पसंद है। आपने देखा होगा कि पनीर, मटर पनीर मैंने वह भी बना के शेयर की हुई है, और पालक पनीर भी शेयर की हुई है, लेकिन शाही पनीर शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। और नहीं की तो आज मैंने शेयर की है और आप लोगों के साथ। तो आप बताना कि आप लोग कैसे बनाते हैं। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग कच्चे टमाटर प्याज भून ऐसे ही उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन उसका ना टेस्ट नहीं आता, क्योंकि अगर प्याज में ज़रा सा भी कच्चापन रह जाए ना मसाले के साथ भूनते हुए, तो वो अच्छा नहीं लगता, मतलब टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो मैं ज़्यादातर शाही पनीर के साथ यही करती हूँ, और अगर मुझे शाही सब्ज़ी बनानी होती है तब भी मैं यही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं टमाटर और प्याज दोनों को ना कट करके, छील करके कट करके, और थोड़ा सा ना इनको एक सीटी लगा देती हूँ, तो इससे ना प्याज का जो टेस्ट ना वो चेंज हो जाता है और सब्ज़ी में एक अलग ही टेस्ट आता है। तो वो थोड़ी सी ना मैं इसमें डाल देती हूँ हरी इलायची, उसके दाने बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये ठंडा करने के बाद मैं इनको ना फिर पीस लूँगी, क्योंकि एक कलर भी बिल्कुल कलर चेंज हो जाता है बहुत ज़्यादा अनियन और टमाटर का, कच्चापन नहीं रहता सब्ज़ी में, बिल्कुल भी नहीं रहता है। और देखिए मेरी बॉईल हो चुकी हैं टमाटर और प्याज। तो फ्रेंड्स अब जब हम इसको पीसेंगे तो इसका एक अलग ही टेस्ट आएगा आपको देखने में, और कलर भी चेंज हो जाता है इसका। ये है मेरा पनीर, और मेरा पनीर कई दिन का रखा था, दरअसल मुझे बनाना था लेकिन मैं नहीं बना पाई, तो सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ शाही पनीर की रेसिपी। तो आज मैंने ना शाही पनीर के अकॉर्डिंग थोड़े से ना मैं ट्रायंगल शेप में काटती थी, लेकिन आज मैंने थोड़े मोटे मोटे शेप मतलब साइज़ दिया है इनको, और थोड़ा मोटे मोटे ही मैंने बनाए हैं, क्योंकि कहते हैं ना थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। तो पनीर वाकई बहुत सॉफ्ट था तो मैंने वो रखा हुआ था, और आज मुझे मोटे पनीर कटिंग करके ही सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी और बच्चों को टेस्ट लगता है थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मैंने थोड़े मोटे मोटे पीस कटिंग कर लिए हैं, और ये मेरा ठंडा हो चुका है, अब मैंने पीस लिया है, और देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है। और इसमें क्योंकि मैंने शाही पनीर बताया है आप लोगों को, तो मैं इसमें डालती हूँ क्रीम, और क्रीम में क्या कर लेती हूँ, जो मेरे पास दूध जमा होता है ना, जैसे हम लोगों को ऊपर से मलाई निकाल लेते हैं, तो मैं वही इकट्ठी कर लेती हूँ, और वही काम अच्छा कर जाता है शाही पनीर में। तो ये मैंने डाल दी है इसमें क्रीम, और ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है, इसका एक अलग ही कलर और टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट आएगा, और बहुत ही बाकी टेस्टी लगती हैं। और आप चाहो तो ना इसमें थोड़े से काजू वगैरह भी पीस करके, और मगज़ मीन्स तरबूज के बीज जो होते हैं वो आप डाल सकते हैं, और मैंने नहीं डाले क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है तरबूज के बीज, लेकिन हम जब बाज़ार से लेके आते हैं उसमें डले होते हैं रेस्टोरेंट वगैरह से, और काजू वगैरह के आप डाल सकते हो, जितनी इच्छा हो आप डाल सकते हो इसके अंदर, और साबुत भी एक दो पीस आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें क्रीम डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा, मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी चीनी, एक चम्मच ही डाली है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि खट्टी मीठी एक जो टेक्स्चर आता है ना, टेस्ट आता है वो एक अलग ही आता है। और उसके बाद मैंने डाले हैं इसमें पनीर, और मैं बहुत ही रेसेदार सब्ज़ी बनाऊँगी, ज़्यादा पतली नहीं बनाती हूँ शाही पनीर की सब्ज़ी में। तो देखिए और आप बताते रहना मुझे अपने कमेंट में कि क्या रहा, क्योंकि मैं जो बनाती हूँ वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आप जैसा बनाते हो आप लोग भी शेयर करना अपने कमेंट के ज़रिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या है, क्योंकि मैं इसमें और कुछ नहीं डालती, जो शाही पनीर मसाला आता है वो डालती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, और थोड़ी सी मैं डालती हूँ मिर्ची, क्योंकि मेरे बच्चों को मिर्ची बहुत पसंद आती है शाही पनीर में, तो हल्का जो खट्टा मीठापन इसमें आता है ना शाही पनीर में, वो एक अलग ही टेस्ट होता है, तो वही हम पसंद करते हैं और वही मैं बनाती भी हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी गर्मा गर्म शाही पनीर रेडी हो चुकी है, मैं इसमें हरा धनिया बिल्कुल नहीं डालती, आप लोग डाल सकते हैं, मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, और बच्चों के ही अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है सब्ज़ी को, क्योंकि हम लोग तो खा लें लेकिन हम तो कैसे भी करके खा लेते हैं, लेकिन बच्चों को देखना पड़ता है, तो बच्चे पनीर में मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते,
धनिया वगैरह, तो आप इसके उसमें धनिया डाल सकते हैं जिसको डालना हो, मतलब जिसको पसंद हो। और ये देखिए मेरी गर्मा गर्म शाही पनीर रेडी है, तो आइए फ्रेंड आप भी खाइए, एंजॉय कीजिए और बताइए मेरी सब्ज़ी कैसी बनी। अगर कुछ कमी हो तो आप भी बताइएगा कि दी ऐसे नहीं, ऐसे करिए या इसमें ऐसा चीज़ डालिए और भी टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।